My experience says that nobody forces you to do anything unless you want to do it. I want to reach there. I don't mind doing anything. That's on you. I could not do many things. I said, nahi, mere ko ye karke wahan nahi pahunchna. Ye meri ichha thi. आपका पहला जो रोल था साथ साथ में, आपने एक लल्लू लड़की का रोल अदा किया था और उसकी वजह से आपको स्टीरियोटाइप किया गया, जैसे बहन का रोल या साइड कैरेक्टर का रोल. क्या आपको लगता है कि आप अगर 20 साल बाद पैदा हुई होती तो आपका करियर बहुत अलग होता, विद ऑल द वेब प्लेटफॉर्म्स एंड विद ऑल द मल्टीप्लेक्स शोज दैट आर ऑन? हाँ, बिल्कुल सही है. अगर मैं 20 साल के बाद पैदा हुई होती तो आज जिस तरह से आज सब लड़कियों को रोल मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स लिखे जा रहे हैं लड़कियों के लिए और बहुत माहौल भी बहुत साफ सुथरा हो गया है. मैं जब आई थी तो सिर्फ फिल्म्स थी, फिर दूरदर्शन था और फिल्म्स थी और कुछ नहीं था. तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं था, कोई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते भी नहीं थे. तो उस जमाने में मैं आई, मैंने सोचा यार मैं तो बड़ी अच्छी एक्टर हूँ, मैं जो भी करूंगी अच्छा करूंगी, उसके बाद सब मेरे पास आएंगे. पर ऐसा नहीं हुआ. मैंने गलती करी और एक लल्लू लड़की का रोल, एक फिल्म थी साथ साथ, उसमें किया और फिर उसके बाद मुझे सालों तक वैसे ही रोल्स के ऑफर आए जो मैंने नहीं किए और बिना काम के मुझे बैठना पड़ा. तो ये उस वक्त की प्रथा थी कि अगर कोई स्पेशली लड़की, इवन फॉर आदमियों के लिए, अगर आप कोई कॉमेडी कर लें तो बस खत्म, फिर आप कभी लीड हीरोइन नहीं कर पाते थे. ये था चलन उस वक्त का, हमें पता नहीं था क्योंकि फिल्म लाइन एक बिजनेस है, मुझे बिजनेस के नियम नहीं मालूम थे, है ना. लेकिन आपकी किताब में आपका यही बड़ा रिग्रेट है कि आप लीडिंग लेडी नहीं बन सकी, लेकिन अब 60 इयर्स की उम्र में आपने बधाई हो कि जिसमें आप लीडिंग लेडी थी उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं फिल्म कर रही थी तो ऑब्वियसली उसमें आयुष्मान और सानिया है, वो लीड पेयर हैं. लीड तो आपकी थी, वो बाद में बन गई. लेकिन शुरू में मुझे लगता था कि ऐसा नहीं लगता था कि ये फिल्म इतनी लोगों को पसंद आएगी, इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नहीं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था. But that was very well deserved. It was really a wonderful movie and you played the role very convincingly. But let's go back a little. आपने रिलेट किया एक इंसिडेंट की जब आप स्ट्रगल कर रही थी फिल्म्स में, आपको एक प्रोड्यूसर ने अपने होटल रूम में बुलाया और आपको बोला कि आपके लिए एक रोल है एक साउथ इंडियन मूवी में. एंड एज यू वर टॉकिंग टू हिम यू रियलाइज दैट ही अज्यूम्ड यू वर देयर टू स्पेंड द नाइट विद हिम. एंड ऑफ कोर्स यू डिडंट स्पेंड द नाइट विद हिम, यू वॉक्ड अवे. But these kinds of situations must happen all the time with young women in the film world and even outside of the film world, everywhere. What advice would you give young women who are dealing with these kind of situations? What I have understood from my experience, sab aap pe nirbhar karta hai how much you want to compromise. I will not judge anybody who wants to sleep with somebody and get a part. I do not want to judge. उसकी मर्जी है, उसको वो पाना है, कैसे भी पाना है, उस पर निर्भर करता है. पर मुझे ये अनुभव, my experience says that nobody forces you to do anything unless you want to do it. I want to reach there. I don't mind doing anything. That's on you. I could not do many things. I said नहीं, मेरे को ये करके वहां नहीं पहुंचना, ये मेरी इच्छा थी. पर कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आपको फोर्स नहीं करता. सिर्फ ये है, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए. जैसे मैंने बेवकूफ़ी की कि मुझे अगर उसने बुलाया है, प्रोड्यूसर ने, सन एंड सैंड होटल में, तो मैं नीचे लॉबी में क्यों नहीं मिली, मैं उसके रूम में क्यों गई? क्योंकि मैं बच गई. हो सकता है वो ज़बरदस्ती करता, फिर मैं क्या करती? मैं बच गई क्योंकि वो कुछ डर सा गया कि ये पता नहीं किसी बोल ना दे या पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को भगवान ने बचाया. बट आपको जो करना है करिए, आपको जितना कॉम्प्रोमाइज करना है करिए, बट बी केयरफुल, बी सेफ, डोंट बी स्टूपिड लाइक मी के आ रूम में चल दिए, क्यों भाई नीचे बुलाओ. पर इसका भी एक कारण है, हम अपने को इतना छोटा समझते थे ना
कि मैं उसको बोलूंगी या नीचे लॉबी में मिले तो शायद मुझे रोल ना मिले, वो मुझसे बात ही ना करे, ये भी एक भय था. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो समटाइम्स डेस्परेशन. काफी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. सो इट्स नॉट फेयर टू जज, बट ऑन द अदर हैंड द इंडस्ट्री शुड नॉट क्रिएट अ सिचुएशन वेयर दे हैव टू मेक दीज चॉइसेस. देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ, व्हाट डू यू थिंक? ये आने में तो बहुत समय लगेगा जब लोग खुद. वी शुड ट्राई आई थिंक एटलीस्ट. आई थिंक मी टू की वजह से काफी डर हो गया है. That's a good thing. अब लोग संभल के करेंगे जो करेंगे, पर जिनको करना है अभी क्या बोलूं मैं. If you've enjoyed the conversation that you just heard, do subscribe to our channel for much more.